तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी इस क्लास में हम तीसरी चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक आपको समझाया कि बेसिकली तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या हमने बताया था आपको? एप्लीकेशन, ये चार बताया था, सॉरी, एप्लीकेशन, वर्क, बुक्स, शीट्स और रेंज। तो पिछली क्लासेस में हमने आपके साथ एप्लीकेशन को फिलहाल स्किप किया है, हमने वर्कबुक को जाना, हमने शीट्स को जाना। हमने जाना कि कैसे कोई फाइल हम क्रिएट करेंगे और कैसे सेव करेंगे, सेवज करेंगे, और साथ में ये जाना कैसे शीट को इंसर्ट, एडिट, नेम वगैरह करेंगे। हम बात करते हैं रेंज के ऊपर। ओके, तो हम सबसे पहले इस चीज को जानते हैं, आपको यहाँ स्क्रीन दिख रहा होगा। हम पहले हाँ जी जानते हैं यहाँ पे कि किसी पर्टिकुलर सेल को हम कॉल कैसे करेंगे, मतलब कि आप किसी सेल पे क्लिक करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, किसी भी सेल पे क्लिक करने का बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला, रेंज A1.सेलेक्ट या एक्टिवेट। एक सेल है तो सेलेक्ट कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। मल्टीपल सेल्स है तो सेलेक्ट ही होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। क्योंकि तो जब भी एरिया सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन आपका एक एरिया होता है B2 से लेके DA, बट एक्टिवेट आपका सिर्फ एक सेल, जैसे कि B2 है आपका। दूसरा तरीका है इसमें कि आप यहां पे लिखें सेल्स और यहां पे 1.1.सेलेक्ट। तो सेल्स 1.1.सेलेक्ट। ओके, तो 1.1 क्या हुआ? पहला रो एंड पहला कॉलम। तो अगर आपके पास अल्फा न्यूमेरिक है ABCD के फॉर्म में, A1 B1 C1, तो आप इस मेथड का यूज करेंगे। नंबर में है कि भाई 10 नंबर, दूसरा नंबर रो, चौथा नंबर कॉलम, तो आप सेल्स का इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए किसी सेल पे क्लिक करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि हम रेंज A1 लिख देंगे ना, कि हम लिखेंगे, मान लीजिए मुझे D1 पे क्लिक करना है, यहाँ पे कर्सर, कोई कर्सर ले जाएंगे तभी तो कुछ करेंगे। तो रेंज D1.सेलेक्ट, लेकिन क्या होगा कि जो एक्टिव फाइल है उसकी जो एक्टिव सीट है उसके D1 पे चला जाए। लेकिन मान लीजिए मुझे सीट 3 के D1 पे क्लिक करना है, तो इस D1 से पहले मुझे उस सीट 3 पे जाना पड़ेगा ना। तो सीट की जो कॉलिंग मेथड बताई थी ना आपको, उस मेथड से उस सीट पे हम जा सकते हैं कि सीट 3.सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा, पहले सीट 3 पे जाएगा, देन D1 पे जाएगा, लेकिन हमारी एक्टिव फाइल पे। अब मेरे पास मान लीजिए फाइल भी है, से मान लीजिए बुक 2 के सीट 3 के D1 पे जाना है, तो मुझे इससे पहले बुक 2 को एक्टिवेट करना हो। यहां पे लिखेंगे वर बुक्स और यहां पे लिखेंगे book2.xlsx, जो भी एक्सटेंशन xlsm है, डॉट सेलेक्ट, एक्टिवेट, सॉरी। तो बुक 2 को एक्टिवेट करेगा, फिर सीट 3 पे जाएगा, फिर D1 पे क्लिक करेगा। समझ में आ रहा है सुधाकर जी? समझ में आ रहा है हाँ आपको? जी हाँ सर, जी हाँ जी आपको आ रहा है गोपाल जी? सर ठीक है, क्योंकि तो किसी सीट पे जाने के बाद ही हम कुछ टाइप करेंगे या फिर कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे बुक 2 आपका ओपन होना चाहिए, तभी वो एक्टिवेट करेगा। आपका बुक 2 अगर ओपन नहीं है तो क्या होगा, तभी एक्टिवेट का कोड नहीं लिखना होगा, तब किसका कोड लिखना होगा? तब लिखना होगा वर्क बुक्स डॉट ओपन, और जिस लोकेशन से ओपन करना है उसका करना लिखना पड़ेगा। समझे सर?
तो ये ओपन बोला तो जो वहां पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके लिए ओपन होगा वो। हाँ मतलब कि एक जैसे कि क्रिएट करने का सिस्टम तो अलग है ना हमारा। अगर क्रिएट आप कहते हैं क्रिएट करके जाना है तो फिर आपको वर्कबुक्स, तब इसको एक कोड में लिखना होगा, फिर आपको कोड लिखना पड़ेगा वर्क बुक्स डॉट एड। अब ऐड करने के बाद जरूरी थोड़ी को 3 सीट होगा, सीट 3 होगा, एक सीट भी तो हो सकता है ना। हाँ, फर्स्ट एड शीट भी हो सकता है बराबर। हाँ तो यहाँ पे दिक्कत हो, इसलिए तो ये डिपेंड करता है आपके कि आपकी सिचुएशन क्या है, समझे। वर्कबुक ओपन करेंगे तो जो ओपन होता है या जो क्रिएट होता है वही ऑलरेडी एक्टिवेट होता है ना। तो किसी पर्टिकुलर फाइल के, किसी पर्टिकुलर शीट के, किसी एक रेंज पे जाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, समझ में आया सही। आपको। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अब मान लीजिए ये तो हम जानने के लिए बात कर, अब बात करते हैं कुछ टाइप करना। तो एक दो तरीके हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे शीट 3 के D1 पे कोई टाइप करना है, तो सबसे पहले आप शीट स्लैश शीट 3 डॉट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप करेंगे रेंज D1 डॉट सेलेक्ट, ध्यान करेंगे रेंज अरेंज नेचर एक्टिव सेल एक्ट। इक्वल टू मान लीजिए मैंने यहाँ पे 500 दिया, नंबर है तो डायरेक्ट डाल दीजिए, टेक्स्ट है तो इन्वर्टर कॉमा में डालिए। सर ये सब याद रखना पड़ेगा, मतलब जैसे कि क्या, कौन से टाइम पे कौन से। अब मैं वही आपको समझा रहा हूँ, देखिए आपको मैं मेथड समझा रहा हूँ। हमने बताया आपको कि वर्कबुक्स शीट्स या रेंज 3 को, जो 3 लेना है हमें, वर्कबुक कब लेना है जब फाइल हो, शीट्स कब लेने हैं जब सीट का काम हो, और रेंज कब लेने हैं आपके जो सेल किसी एक सेल का पार्ट। तो अब उसकी भी पर्यायवाची है, जैसे रेंज है तो रेंज में आपके पास A1 B1 C1 हो तो आप इस मेथड को लेंगे, अगर 1 2 3 4 हो तो इसको लेंगे। शीट्स में भी आपको मैंने समझाया था कि आप शीट्स में शीट्स का कैप्चर नेम या प्रॉपर्टी नेम या सीक्वेंस नंबर या एक्टिव सीट से कोई एक ले सकते हैं जैसा सिचुएशन हो, ये सब तो याद रखना ही पड़ेगा ना सर, ठीक है ना। और डॉट वैल्यू का मतलब हो गया कि कुछ भी टाइप करना है किसी भी रेंज पे, कुछ भी टाइप करना है तो उसकी डॉट वैल्यू होती है। जैसे ओपन करनी है तो हम डॉट ओपन लगाते हैं, सेव करनी है तो डॉट सेव लगाते हैं, रिनेम करनी है तो डॉट रिनेम लगाते हैं, उसी तरह से एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। अब जो वैल्यू है ना सिर्फ एक्टिव सेल पे नहीं चलेगा, वो आपका रेंज पे भी चलेगा। तो रेंज और एक्टिव सेल दोनों में से कोई एक होगा और डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आपको एक पर्टिकुलर रेंज है तो डायरेक्ट रेंज पे डाल दे, नहीं सेल आपका एक्टिवेटेड है तो आप एक्टिव सेल पे डाल, ठीक है। अब इसको रन भी कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम है कि ऊपर के कोड तो मैं ऐसे ही लिख दिया है, अब मुझे सिर्फ इस 3 लाइन को रन करना है चेक करने के, टेस्ट करने के लिए। तो इसके दो तरीके हैं, इन तीनों को कॉमा कोड को कॉपी करके सब करके एक नया माइक्रो बना लीजिए क्या, और उसमें पेस्ट कर दीजिए। देन आप यहाँ माइक्रो से जाकर रन कर सकते हैं या यहाँ भी रन कर सकते हैं। तो आप रन करेंगे, देखिए मैं C1 पे हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे माइक्रोज में मैंने R_1 को रन किया, तो एक ही मॉड्यूल्स में बहुत सारे माइक्रो सब बना बना सकते हैं। सकते। जी जी अच्छा, उसी को रन करना है बस। जी रन कीजिए। अच्छा एक नाम के कई सारे मैक्रो हो गए ना, इसलिए दिक्कत कर रहा है। ऑलरेडी है इसमें ऊपर में, नहीं दिख रहा है ऊपर में मैक्रो बना हुआ है जो कल हमने बात की थी वो, इसको हटा देता हूँ अब सही है। एक मैक्रो में एक नाम, एक मॉड्यूल के अंदर एक नाम के दो मैक्रो नहीं होने चाहिए, वरना रन नहीं होगा। अब आराम से इसको
रन यहाँ से कर सकते हैं। और देखा कहाँ गया, डी सही। थ्री में 500, समझे? तो इनकेस मुझे अगर 500 की जगह पे मतलब 100 लिखना है, तो ऑलवेज मुझे वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो वो देखिए आपको कोई पर्टिकुलर फिक्स है तो ठीक है, या कोई कंडीशन देना पड़ेगा ना, कहाँ ये वैल्यू निकाल ले कंडीशन फिर डाल ले, समझ गए ना? देखिए यहाँ मैनुअल या कंडीशन दो चलता है। एक पैरामीटर दे दीजिए कि अगर ये पैरामीटर हो तो ये इस तरह की वैल्यू है, चाहे वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट कर। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहले शीट थ्री में गया हूँ, फिर डी वन पे क्लिक किया हूँ, फिर यहाँ पे सेल्स डॉट वैल्यू करके मैंने डाला। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं कि मैं डायरेक्ट जो है डॉट वैल्यू ऊपर डाल देता हूँ, मतलब कि एक लाइन में यहाँ पे कम कर देगा। मैंने डायरेक्ट बोला कि आप डॉट वैल्यू कर दो 500, नहीं मैं बोलता हूँ इस बार 800 कर। तो आप देखेंगे कि मैं फिर के फिलहाल सीट टू पे हूँ, ठीक है? हाँ, सीट टू दिख रहा है। हाँ जी। अब देखिए मैं इसको रन करूंगा तो पहले सीट थ्री पे जाएगा और डी एंटर कर देगा। अच्छा, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 800 कर दिया, लेकिन कर्सर वहां पे नहीं ले गया। इससे पहले वाले कोड जो ऊपर मैंने बताया था वो क्या कर रहा था कि कर्सर ले जा रहा था, फिर 800 500 टाइप कर रहा था क्या? बट इस वाले कोड में क्या किया कि इसने कर्सर नहीं ले जाना है, डायरेक्ट यहाँ पे 800 टाइप कर दिया बिना कर्सर ले गए। तो आपको अगर कर्सर नहीं रखना है, क्योंकि मान लीजिए आपको वैल्यू डाल के फिर कॉपी करना है तो कर्सर रखना पड़ेगा, नहीं आपको सिर्फ वैल्यू ही डाल देनी है, कॉपी वॉपी बाकी चीज कुछ इस पे करना नहीं है, तो डायरेक्ट इस कोड को लिख दो। और आप जो है ना इसको ऐसे भी एक एक साथ एक लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे शीट शीट की कॉलिंग में था डॉट वन, वन नहीं थ्री है ना, थ्री डॉट रेंज डी वन डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इस लाइन से क्या फायदा होगा कि आप अगर इसमें सीट, वर्कबुक भी ऐड करो हाँ ना, कर सकते ना मैं ये भी वर्कबुक बता रहा हूँ गोपाल जी। भी। देखिए इससे इस मेथड से क्या फायदा होगा कि आपका सीट एक्टिव था सीट टू, तो वो सीट टू एक्टिव होगा, विंडो में किसी तरह की चेंजिंग नहीं होगी, सीट टू पे ही रहेगा, और सीट टू पे रहते हुए बैकएंड में जो पीछे से जाके सीट थ्री में यहाँ पे वैल्यू डाल देगा, समझे? तो वैल्यू डालने का काम ये भी कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो सीट थ्री पे जा रहा है, फिर एरे डी वन पे जा रहा है, फिर टाइप कर रहा है। तो आपकी विंडो चेंज हो रहा है, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन आप चाहते कि नहीं मेरा जो स्थिति है जैसा है वैसा रहे और मेरी वैल्यू किसी सेल में टाइप हो जाए, तो उस केस में हम इसका मेथड करते हैं। और जैसे कि तो बताया शीट कि पर्टिकुलर फाइल के पर्टिकुलर शीट के रेंज पे डालना है, तो आप इकट्ठा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है सर? तो कि बुक टू के हाँ सर, अंदर सीट थ्री के अंदर रेंज डी वन के अंदर 500 टाइप करें, समझे? हाँ अब बात आती है कि मैं तो यहां मैनुअली टाइप कर रहा हूं। अब जैसे मेरा ए वन पे 100 लिखा हुआ है और डी वन पे हमारा 20 लिखा हुआ है, मैं डी वन कुछ लिखा हुआ है, मुझे अब डी वन पे 100 जो जो ए वन पे टाइप है वो लेके जाना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पहले जिस पे वैल्यू डाई जाएगी, जैसे रेंज डी वन डॉट वैल्यू इक्वल हो जाए रेंज ए वन, तो इक्वल के बाद कौन लिखाएगा, जिससे वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करके रन करेंगे तो देखेंगे कि ये जो 100 है यहाँ उठ के चला आए, ठीक है सर? हाँ जी। लेकिन मान लीजिए कि मुझे सीट वन की वैल्यू सीट थ्री में डालनी है या सीट टू की वैल्यू सीट थ्री में डालनी है, तो जिस जो जिस पे डलेगा वहां डालना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पे सीट्स और यहाँ पे हम करेंगे सीट थ्री डॉट, यहां हो गया।
कि सीट थ्री डॉट रेंज डी वन डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज वन डॉट वैल्यू। अब यहां जो हमने दिया कि आप देख पा रहे कि एक तरफ तो हमने सीट का नेम दिया, दूसरी तरफ नहीं दिया, नहीं दिया ना सर। तो यहां पे अगर आप कब नहीं देंगे, जैसे कि अब मुझे सीट टू मेरा एक्टिवेट है और सीट टू एक्टिवेट होने के साथ मुझे रन कर रहा है, कहने मतलब कि अगर किसी सीट का रेफरेंस आप नहीं देते हैं तो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक्टिव सीट ले लेता है ना। तो ये क्या करेगा कि एक्टिव सीट के रेंज ए वन की वैल्यू सीट थ्री के डी वन पे डाल दे, आप रन करके इसको देख सकते हैं। लेकिन कोई यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बस आपका वैल्यू यहाँ पे डल गया, डल गया। बट इस माइक्रो को रन करने के लिए आपको सीट टू को एक्टिवेट रखना होगा। तो इसका यूज हम करते हैं, जैसे किसी भी सीट के एक पर्टिकुलर एरिया को हम डाल दें। अब यहाँ पे एक चीज भी है, मैं रेंज ए वन को फिक्स नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ टाइप किया, अगर मैंने इस पर कर्सर रखा इसकी वैल्यू जो है सीट थ्री में चल जाए। अब यहाँ पे मैं सीट रेंज ए वन को भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एक्टिव सेल, समझे, मैं रन करता हूं। अब यहां देखेंगे सीट थ्री पे 95 आ गया, कल के डेट में मैंने यहां पे 650 लिख दिया, मैं इस पे कर्सर रखा और इस कोड को रन कर दिया, आप देखेंगे 652 आ गया। तो इसको इस तरह से डायनेमिक बनाते हैं, समझ में आया सर? गोपाल जी एक बार और बताओ ना सर, जो ये बताया आपने। देखिए इससे पहले जो एक कोड था ना, ई कोड में क्या था कि रेंज ए वन पे वैल्यू जाएगा, डी वन पे वैल्यू जाएगा, कहाँ से, रेंज ए वन से। और रेंज वन ए वन कहाँ का है तो हमने इसके आगे सीट का नेम डिफाइन नहीं किया। अगर सीट का नेम डिफाइन कर दूं तो उस सीट के रेंज, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सीट्स और हमने यहाँ पे लिख दिया सीट वन, अब क्या होगा कि सीट थ्री पे सीट वन के रेंज वन की वैल्यू चली जाएगी, समझे? यस सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं यार, ये ऐसे फिक्स ना हो, मुझे जो वैल्यू डालनी होगी मैं उसमें कर्सर रख दूंगा। तो वहां पे जहां वैल्यू जानी है वो तो लोकेशन हम फिक्स है, जहां से वैल्यू आनी है वो मेरा एक्टिव सेल है, मतलब कर्सर रखा हुआ एरिया है। तो हमने कर दिया कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, तो डायनेमिक हो गया कि अगर मैंने कहीं पे कुछ टाइप किया और उस पर कर्सर रख के इस मैक्रो को रन किया तो आप देखेंगे कि सीट थ्री के डी वन पे उस सेल का वैल्यू चला गया, चला गया सर। यस सर। तो सुधाकर जी, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि इस तरह से हम ऑटोमेट करते, समझ गया ना? सही। तो आगे चल के भी वैल्यू एक के नीचे चला जाए, या भी वैल्यू इस सीट में ढूंढ ले, यहां पे ढूंढ ले, तो इस तरह की कंडीशन ऐसे ही हम देंगे और जैसे जैसे कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। अभी आपको नॉर्मल कंसेप्ट समझा रहा हूं कि किसी सेल पे आप कोई वैल्यू कैसे डालोगे, ठीक है? या किसी सेल की वैल्यू उठा के किसी सेल पे कैसे डालोगे, जनरली आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो ना, पर हाँ इसको कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए मुझे यहाँ एक्टिव सेल करना है तो मैं कोड यहाँ लिखूंगा कि एक्टिव सेल डॉट कॉपी, समझ गए? क्योंकि सीट थ्री पे जाना है तो फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे सीट थ्री डॉट शीट थ्री डॉट सेलेक्ट और फिर रेंज डी वन डॉट सेलेक्ट और पेस्ट जो होता है ना वो सीट का पार्ट होता है, यहाँ पे सीट्स लगा दीजिए या फिर एक्टिव सीट कर दीजिए,
एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। सोचिए तो आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए इस मेथड यूज करना होगा, पहले आप एरिया कॉपी करेंगे, फिर जिस सीट पे पेस्ट करना है उस सीट पे जाएंगे, जिस लोकेशन पे पेस्ट करना है उस लोकेशन पे जाएंगे, देन यहाँ पे आप उसको पेस्ट करेंगे। अब और इससे जो है आप इजीली आप डाल सकते हैं सिंपली, और इसमें क्या होगा आपका स्क्रीन चेंज होगा, मतलब कि आप माइक्रो रन करते समय आपका स्क्रीन सीट वन है तो पेस्ट होने के बाद वो सीट थ्री रहेगा, समझे। बट ऊपर कोड में ऐसा कुछ नहीं होगा, बैकेंड में चलेगा। तो इसका प्लस पॉइंट इसमें क्या है, क्योंकि आप यहां पे एक सेल की वैल्यू ही भेज सकते हैं, मुझे यहां पे आप मल्टीपल सेल की वैल्यू भेज सकते हैं। दूसरा, अगर आपने मल्टीपल सेल की वैल्यू इस्तेमाल इसमें भेजा भी, जस्ट वैल्यू जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग कमेंट्स बॉर्डर वगैरह नहीं जाएगा, कॉपी पेस्ट होगा तो सब कुछ जाएगा। अब इसमें भी जो है एक लाइन कम किया जा सकता है, अगर मान लीजिए कि आपको पेस्ट करना है, आप चाहते हैं कि सीट वन पे ना जाओ, तो आप पहले कॉपी कर लें कि एक्टिव सेल डॉट कॉपी कॉपी, और फिर यहां लिखिएगा यहां पे कि सीट टू या थ्री जो भी देना चाहते हैं रेंज। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी मेथड लिया हुआ, तो मैंने समझाया था सीडी क्लास में कि सीट्स लीजिए, सीट्स के अंदर नाम दीजिए, प्रॉपर्टी नेम सीट का लीजिए, सीट वन सीट टू सीट थ्री, या नंबर दे दिए, वो आपकी सिचुएशन में डिपेंड करता है। और मुझे इसको कहाँ करना है, ए मान लीजिए थ्री पे, ए थ्री, और डॉट पेस्ट स्पेशल और पेस्ट ऑल, या पेस्ट वैल्यू या पेस्ट फॉर्मेट जो लेना चाहते हैं ले। ये क्या करेगा कि आपको एक ही लाइन में, अब देखिए एक ही चार लाइन था और एक ही लाइन में, और ये सीट को चेंज भी नहीं करेगा, सीट को जो सीट मान लीजिए आपका वन एक्टिवेटेड है तो सीट वन पे ही रहेगा और डेटा को पेस्ट कर देगा यहां पे कॉपी करेगा, समझे सर। क्लियर है? ठीक है सर। अब मान लीजिए डॉट वैल्यू करते हैं तो वैल्यू जाता है ना, अब यहाँ पे डॉट फॉर्मूला कर देंगे ना तो इसका फॉर्मूला जाए, मतलब डॉट अगर मान लीजिए यहाँ पे 500 प्लस 100 है तो कॉपी पेस्ट करने पे यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ, तो अगर आप डॉट वैल्यू कर देते हैं यहाँ पे चाहे यहाँ पे जो भी, तो क्या होगा इसकी 600 कहीं भी जाएगी तो 600 नॉर्मल जाएगी, जैसे कि हम कॉपी है जब वैल्यू पेस्ट करते हैं उस तरह से। लेकिन इसी में आप डॉट वैल्यू के जगह पे डॉट फॉर्मूला कर देते हैं, तब क्या होगा कि तब इसकी पूरी की पूरी फॉर्मूला यहां से उठ के आए, समझे। समझाया सर आप लोगों को? जी जी। तो देखिए क्या है कि आप लोगों की अभी थोड़ी सी बीबीए पे अंडरस्टैंडिंग स्लो चल रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा स्लोली पढ़ें, ठीक है ना, कुछ जब तक कि आप कोड को समझने नहीं लगते हैं तब तक। ठीक है, एक कोड मैंने आपको भेज दी है और रिकॉर्डिंग आपने डाउनलोड रिकॉर्ड कर ही लिया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करते समय कोई कंफ्यूजन होती है ना सर, तो प्लीज हिचकाइएगा नहीं, तो मुझे कॉल कर लीजिएगा।